Namaste, good morning. Today is my freshers and I woke up around 5:45 and then I quickly took a shower. रात से कॉन्टीन्यूसली बहुत तेज बारिश हो रही है तो पोस्टपोन तो हो नहीं सकती बट स्कूल्स वगैरह में DM ने छुट्टी कर दी है. आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आई एम गोइंग टू वेयर साड़ी आफ्टर लिटरली 5-6 ईयर्स. मुझे नहीं आती पहननी बाय द वे, बट या अभी एज ऑफ नाउ मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बनाती हूँ, थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ. एट द सेम टाइम मुझे ब्लैक हेड्स निकालने हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें करनी है तो वो सब कर लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे. आज मैं मेकअप करने वाली हूँ तो उसके पहले थोड़ा थोड़ा अपनी स्किन को प्रेप कर रही हूँ. उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले आई हैव दिस नोज़ स्ट्रिप जो कि ब्रांड है हिप हॉप, एंड ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट ट्रस्ट मी अगर आपके वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हैं ये इतने आराम से उनको निकाल देता है, इसको डेफिनेटली ट्राई करना. उसके बाद मेकअप करने वाली हूँ तो आई हैव फेशियल हेयर्स जो कि ऐसे तो दिख नहीं रहे होंगे आई गेस, बट फेशियल हेयर्स के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फेशियल रेजर जो कि बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है. अगर इसका लिंक मिलेगा तो मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी. आपकी जो हेयर्स की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में आपको ऐसे करके निकालना होता है धीरे धीरे. मैं बाय द वे इस मॉइस्चराइजर की हेल्प से निकालती हूँ, पहले इसको लगा लेती हूँ एंड देन ऐसे ऐसे करके आराम से निकाल लेती हूँ. मेक श्योर कट ना लगे, धीरे धीरे करना. एंड एट लास्ट आई हैव दिस फेस शीट मास्क जो कि लास्ट में लगा लूँगी. तो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले तो मैंने अपनी नोज़ को वेट किया. आप गर्म पानी लेना और उससे अपनी नोज़ को वेट करना. वो करने के बाद ना आपको ये स्ट्रिप उस पर लगा देनी है. देन 10 मिनट या 15 मिनट छोड़ दो और कभी कभी अगर चिपके ना तो ऐसे टैप करना, चिपक जाएगा. और तब तक का मैंने अपने फेशियल हेयर्स निकाल लिए. वैसे ये बस मिथ होती है कि आप फेशियल हेयर्स निकालो तो आपके बाल बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं, दिस दैट एट ऑल. ऑल दो मैं इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं करती बट जब भी करती हूँ मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता. सो मेरे लिए तो ये वर्क करता है और आई थिंक मेकअप से पहले कर भी लेना चाहिए, अदरवाइज आपके हेयर्स ना अलग से हाईलाइट होते हैं. और ये जो नोज स्ट्रिप मैंने लगाई है ना, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ. लुक एट दिस, छोटे छोटे हेयर्स भी निकाल दिए एंड दीज आर वाइट हेड्स इफ यू कैन सी. ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग गाइस. आई जस्ट गॉट रेडी क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी एक सीनियर के वहाँ, मतलब मेरी स्कूल सीनियर है वो दी, तो शी सेड कि मैं तैयार कर दूंगी तेरे को, तू आ जाना. तो मैं वहीं जा रही थी अभी और इतनी खतरनाक बारिश शुरू हो गई है और कॉलेज ग्रुप में सब मैसेज कर रहे हैं गाइस बहुत तेज बारिश हो रही है, नहीं आ रहे हैं या देखेंगे. आई वॉज लाइक भगवान जी, बड़ी मुश्किल से तो ये लोग आ रहे थे, उसमें भी अब बारिश शुरू होगी तो इनको एक बहाना मिल गया कि नहीं आ रहे हैं. बट मैं तो जाऊँगी, मेरी फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, बाकी कोई आए या ना आए. सो या चलते हैं फिर, उसके बाद मिलती हूँ बाद में. आई होप आज का दिन अच्छा जाए. सो जैसे मैं पहुँची मैंने देखा दी आई ही नहीं है. बाय द वे ये मेरी स्कूल सीनियर है और अगर आप हल्द्वानी से हो ना और अगर आपको किसी पार्टी वार्टी के लिए मेकअप कराना है, पेड प्रमोशन नहीं है बट ट्रस्ट मी आप जा सकते हो. आई नो हर फ्रॉम स्कूल डेज एंड जब भी ये स्कूल में फ्रेशर्स या यू नो लाइक सॉरी फेयरवेल या टीचर्स डे वगैरह में तैयार होकर आती थी ना, आई वॉज लाइक वाव या ये दी कितना सुंदर बन के आती है. एंड देन उन्होंने मुंबई वगैरह से ट्रेनिंग ली एंड नाउ शी इज़ एन एक्सपर्ट. तो अगर आप हल्द्वानी से होना, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगी, आप पक्का जाना, एक बार मेरी रिकमेंडेशन पर जाना और मेरा नाम लेना, दी थोड़ा एडिशनल डिस्काउंट दे देंगी. और साथ ही मैं अपनी फ्रेंड के ये जो आउटफिट है इसकी साइड की सिलाई निकाल रही थी क्योंकि उसको ये टाइट हो रहा था. और ये बंदी इतनी चिल है कि फ्रेशर की सुबह देख रही है कि ये आउटफिट मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एंड हमारी क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जो एक एक महीने पहले से अपने आउटफिट्स रेडी करके बैठे हैं, बट ओके क्या कर सकते हैं. वक्र चुंडे महाकाय सूर्य कोटि समग्र निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. नमस्कार, स्वागत, सुस्वागत, अभिनंदन. तो सबसे पहले हम गए और पहले हमें हमारी ही क्लास में बैठा दिया क्योंकि सीनियर्स कुछ कुछ प्रिपरेशन कर रहे होंगे ऑफ़ कोर्स. एंड देन हमारी एंट्री हुई, एक सीनियर ने हम सबको टीका लगाया एंड आई वाज लाइक आदत है ना तो मैं उनके पाँव छू रही और सब हंसने लग गए. बट एनीवेज उसके बाद हमारे जो प्रोफेसर्स थे या जो बाकी डिपार्टमेंट के भी HODs आ रखे थे उन सब की स्पीच हुई और फिर हमारे सर ने मौका नहीं छोड़ा हमको आज भी ताने मारने का, बट स्टिल
ताना क्या वो हमारी क्लास के बच्चों की गलती है, तो वही उसको पॉइंट आउट कर रहे थे। एंड उसके बाद टीचर्स को भी पता था कि हम जाएंगे तभी ये बच्चे मज़े करेंगे, तो सारे टीचर्स चले गए बिकॉज दे वर सेइंग कि हमारे टाइम पे जब टीचर्स जाते थे हम बहुत फन करते थे, तो अब तुम लोग को अकेले छोड़ते हैं, तुम्हारा दिन है, तुम मज़े करो। चीज बतानी है, आई एम एंगेज्ड सच में, आई एम एंगेज्ड तो रैंप वॉक एंड ऑयल के बाद राउंड टेबल गेम हुआ जिसमें बॉटल पास करनी थी, जिसके पास वो गाने पे रुकता तो उसको कुछ डेयर करना पड़ता। तो हम सब कर रहे थे, पहले तो मैं अलर्ट थी, देन इतना सुंदर गाना बजा कि मैं और दीप्ति उसमें वाइप करने लग गए और कब बॉटल मेरे आगे आके रुकी मुझे पता नहीं चला। आप देखो fresher was good, we enjoyed a lot. Also I got the title of best attire and barish thi, pura barish ne khel kharab kar diya, otherwise bahut achhi photos hoti hai hamare paas, lekin ha koi baat nahi, bahut achhe memories hain, bahut mazay kiye, bahut dance kiya, khana wala to sahi bolte hain yaar ki tum kitna enjoy karte ho ye zyada matter karta hai, कोई याद नहीं रहता तुमने क्या पहना था, क्या खाया था, दस दैट एंड ऑल। हमने बहुत ज़्यादा मजे किए एंड टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया, देवर सिंह यू ऑल वर लुकिंग गुड एंड माई फ्रेंड गॉट द टाइटल ऑफ मिस फ्रेशर, उसने इतना मस्त डांस किया ना, इतना मस्त डांस किया उसने, सो या आई एंजॉयड अलॉट। अभी थोड़ा फोटोज़ क्लिक करी बाहर पे, बारिश में ही खींची, अच्छी नहीं आई, आई डोंट नो इंस्टाग्राम वर्थी होंगी कि नहीं होंगी बट ठीक है, आई विल सी। Thank you.